यशराज फैनर की वार, एजेंट गद्दार है ये हमको दिखाया जाता है, पठान एजेंट फिर गद्दार है, टाइगर एजेंट की बार भी गद्दार है। मैं बस कर भैया, सब गद्दारी करेंगे तो वफादारी कब होगी? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आप सबके लिए मैं टाइगर हूँ। गलत बात, आप हमारे लिए भाई जान हो, क्योंकि जब भी आपकी फिल्म आती है तो हम कहते हैं भाई की फिल्म आई है। हम ये कभी नहीं कहते कि टाइगर की फिल्म आई है। हाँ कहते हैं कि टाइगर की फिल्म आई है, लेकिन वो टाइगर श्रॉफ के लिए। तो हिंदुस्तान के लिए टाइगर जो है वो टाइगर श्रॉफ है, और आप भाई हो। 20 साल अपना सब कुछ इंडिया के हिफाजत के लिए लगा दिया। एक और गलत बात, पहला पार्ट में तुमने सारी जान कैटरीना भाभी को भगाने में लगाई है। सबको पता है पहले पार्ट में कुछ करके नहीं खाया तुमने। तुम मेरे को एक बात बताओ, तुमने आज तक किसी भी इंडियन जासूस का नाम सुना है? इंडियन जासूस की न्यूज ऐसे चल रही है पूरे हिंदुस्तान में जैसे विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी। फिर तुम कहते हो कि यार फिल्म में नकल क्यों निकाल लिया है? और जासूस की तो छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हें अपने एरिया के पुलिस वाले का नाम नहीं पता होगा। मैं इंडिया से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। ना ना ना, तो मत मांगो भाई जान, निराशा हाथ लगेगी आपको। जय हिंद। ये इनका डायलॉग तो हर फिल्म में ऐसा हो गया है कि कोई भी डायलॉग ना मिल रहा ना और पब्लिक तुम्हारी शांत बैठी है, तुरंत कह दो जय हिंद। ट्राइपॉड वाली बंदूक जब से यश ने चलाई है ना मेरे भाई KGF में, तब से हर एक्शन फिल्म में ट्राइपॉड की बंदूक कंपलसरी हो गई है कि बिना इस बंदूक के कोई भी एक्शन कंप्लीट नहीं होएगा। कुछ चले चाहे ना चले, ट्राइपॉड बंदूक जरूर चलेगी हर एक्शन फिल्म में, समझ गए? तो इस फिल्म में भी हमको वही देखने को मिलेगा जो हमको पिछली स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्मों की बकचोदी में देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले हम दिखाएंगे कि हमारा जो जासूस है वो गद्दार है, और उसके बाद दिखाएंगे कि उसने गद्दारी क्यों की है। इसके अलावा कोई कहानी, कोई नया फॉर्मूला नहीं निकाल पा रहे हैं एक्शन फिल्म वाले, और खासकर ये स्पाई यूनिवर्स वाले। बाकी सलमान भाई ने जो मैसेज दिया है वो दिया है 1:43 का, जिसमें कि 50 मिनट तो वही पहले दो पार्टों की बकचोदियां हैं, लेकिन उसके अलावा मेरे को कुछ एक्शन सीन्स अच्छा लगे मेरे भाई। बाकी कहानी क्या रहेगी वो तो ठीक है, अभी तो बस यही पता चल रहा है कि सलमान भाई इस बार गद्दार है, क्योंकि ऋतिक रोशन गद्दार हो गया वॉर में, उसके बाद हीरो बन गया। फिर हमको दिखाया गया कि पठान भी जो है गद्दार हो सकता है, लेकिन वो निकला क्या हीरो। और इसमें भी हमको दिखाया जा रहा है कि सलमान खान जो है वो गद्दारी उतर आया, लेकिन इन द एंड वो हीरो ही निकलेगा इस फिल्म का, क्या करूं। तो ये फिल्म मेरे को थोड़ी सी पैसा वसूल स्कीम लग रही है, क्योंकि कहानी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है इस फिल्म की मेरे भाई, बिल्कुल नहीं लग रही। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक्शन करते हुए सलमान भाई अच्छे लग रहे हैं, और हो सकता है कि ये फिल्म बम्पर बम्पर कलेक्शन कर जाए, क्योंकि एक्शन थोड़ा सा जेन्युइन है, खासकर वो जो उड़ के जाते हैं भाई और गाड़ी में बैठकर बंदूक चलाते हैं। बाकी ज्यादा कुछ रिवील अभी नहीं किया गया है टीजर के अंदर, या फिर तुम समझो मैसेज के अंदर, और जब ट्रेलर आ जाएगा तो ही पता चलेगा कि आखिर में माजरा क्या है। फिलहाल फिल्म की जो डेट बताई गई है वो दिवाली में बताई गई है, दिवाली का इंतजार करो। मुझे लग रहा है कि सलमान भाई इस बार खंभी करने वाले हैं मेरे भाई। ओके तो चलो, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, क्योंकि छोटा मैसेज है छोटी वीडियो है। आपको अगली वीडियो मिलेंगे, और जब तुम मेरे साथ यहाँ तक आ चुके हो तो जाते जाते लाइक करना नहीं भूलना और सब्सक्राइब करना भी। चलो बाय बाय, जय हिंद।